नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पढ़ने चलते हैं। मैं जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। झिझरी पंचायत से जहां अमीनुद्दीन के पुत्र आसिफ इकबाल की पत्नी तरन्नुम सभा जो इस बार चुनावी मैदान में है, और सबसे बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि जो 60% तक की जो आंकड़े लगाए गए थे, अब वो बढ़कर 65 से 70% जो है बढ़ोतरी हुआ है। और इसमें इस बार पोल होने की संभावना है, 90% वोट पोल होंगे, जिसमें से अब तक आसिफ इकबाल की जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। मैं आपको बता दूं, भले ही आप लोग को इस पर बिलीव ना हो, मैं हकीकत बता रहा हूं। हमारी टीम जो सूत्र रिपोर्टर है, उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि इसमें जो आसिफ इकबाल का एक पोल एग्जिट पोल आ रहा था, वो उसमें दिख रहा था कि आसिफ इकबाल जो है वो 60% पर काबिज हुआ है। अब बढ़कर यही चीज़ अब दिख रहा है सीधा सीधा कि 70% वोट पर काबिज होंगे आसिफ इकबाल। हालांकि 90% वोट पोल होना है, उसमें से 10% में से दो और कैंडिडेट है जो उनको मिल सकता है, क्योंकि आसिफ इकबाल की जो मेहनत है वो लगनशील और कामयाबी की ओर दिख रहा है। ऐसे में दिख रहा है कि जो तस्वीरें सामने आई है, तो उसमें आसिफ इकबाल अपनी जो है वो भागीदारी निभाते हुए आसिफ इकबाल आगे बढ़ रहे हैं। और इससे जो तस्वीरें सामने आई है, ये चौंकाने वाली और रोचक तस्वीरें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आसिफ इकबाल इस बार जो है रोचक जो है वो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से आसिफ इकबाल जो है वो काफ़ी मुशक्कत के बाद एक लंबी पारी खेले जा रहे हैं। और हालांकि इससे पहले टैक्स चेयरमैन के पद पर उनके पिताजी थे, और उसके बाद अब आसिफ इकबाल की पत्नी चुनावी मैदान में है। और ऐसे में जो है माहौल है, माहौल हमारी टीम ने सर्कुलेट किया, और उसमें से चीज़ें सामने आई है खुलकर कि वहाँ पे जो है आसिफ इकबाल की पत्नी कामयाब हो रही है, और तरन्नुम बानो जो ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है और दूसरे नंबर पे उनका सैंबल है, और ऐसे में कामयाब दिख रहा है कि इस बार आसिफ इकबाल उस क्षेत्र से कामयाब होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जो है खबर मैं बता रहा हूँ आपको। चलते हैं अगली खबर की ओर और बताते हैं आपको कि क्या रिपोर्ट सामने है। मैं आपको बता दूँ, अगली खबर आ रही है बड़ीजान पंचायत से, जहां वार्ड सदस्य के रूप में है और मोहम्मद अजमल साहब इस बार चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में बड़ीजान पंचायत से लोग बदलाव की नज़रिए से लोग देख रहे हैं। बड़ीजान पंचायत में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पूर्व पैक्स चेयरमैन पर लोगों ने कहा कि समय पर किसानों के धान नहीं खरीदी गई है, ये वहाँ के मूल वोटरों का कहना है। समय पर धान नहीं खरीदा गया और समय से खाद मुहैया नहीं कराई गई, हालांकि लाइसेंस नहीं है उस पंचायत में। आपको बता दूं कि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, वहां पर मोहम्मद अजमल आलम जो बहुमत बनाए हुआ है, और उन पे जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार सीट को निकालने की ज़्यादा संभावना है। अजमल साहब जो वहां से पैक्स चेयरमैन के पद पर चुने जाने की संभावना बनी हुई है, और आग्रह है कि वहां पे 80% वोट पोल होना है, जिसमें से अजमल साहब 55% वोट पे काबिज है और अब तक हावी हो चुके हैं, जिसमें से पूर्व मौजूदा चेयरमैन से लोग नाखुश दिखे। जो रिपोर्ट आई है ये भी एक रोचक है। और बड़ीजान पंचायत से मैं आपको बता दूं कि बड़ी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि जहां मौजूदा पैक्स चेयरमैन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही है, और ऐसे में अजमल साहब वहां से भारी अपना पल्ला बना चुके हैं, और ऐसे में कामयाबी की ओर दिख रहा है कि इस बार अजमल साहब जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें साझा कर रहा हूँ कि देखिए अजमल साहब वहां से जो है बहुमत बनाए हुए और जीतने की आशंका बताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं, कमलपुर पंचायत से, जहां दिलशाद आलम अपनी बहुमत बना रहे हैं और ऐसे में जीतने की संभावना हो चुकी है। दिलशाद आलम के लमसम सभी वार्डों के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दिलशाद आलम 60% वोट पे हावी हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिलशाद आलम पेशे से एक बिजनेसमैन है और लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें आई है, समझ में आ रहा है कि दिलशाद आलम जो है वो वहां पे कमलपुर पंचायत में अपना खोटा गाड़ने जा रहा है, और ऐसे में जो उनका वोट परसेंट दिख रहा है वहां पे कामयाब होता दिख रहा है, और दिलशाद आलम आने वाले पैक्स चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, और माफ कीजिएगा, चेयरमैन प्रत्याशी हैं। और ऐसे में वहां की जनता की पुकार है कि इस बार दिलशाद आलम को पूर्ण बहुमत से वो विजय होंगे और वहां से पैक्स चेयरमैन चुने जाएंगे। हम जानेंगे कि दिलशाद आलम का क्या कुछ कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे, पर ये अब तक की रिपोर्ट आ रही है सामने कि वहाँ पे लगभग 85% वोट पोल होनी है, जिसमें से दिलशाद आलम की जो सर्वे रिपोर्ट है 55 से 60% वोटों पे काबिज होंगे। और ऐसे में जो सर्वे रिपोर्ट आई है सामने, ये रोचक और चौंकाने वाली बात है कि 85% वोट पोल होंगे, जिसमें से
खुद ब खुद जो है उनकी एजेंडे पे, मतलब 50 से 60% 55% के अंदर इसी ग्राउंड में दिलशाद आलम जो है वहां पे अपना सर्किलाइट बनाए हुए हैं और उसमें कामयाब हो सकती है। चलिए अगली खबर, मैं अंतिम खबर पढ़ने चलता हूँ। अंतिम खबर है जोहार पंचायत से, जहां महबूब आलम अपना खोटा गाड़ दिए हैं, वहां पे 90% वोट पोल होनी है। अब महबूब आलम का 70% वोट पोल जो है भरत बना दिया गया, 70% वोट पर पहुंच गए आंकड़े। और ये दो, हालांकि अब दो बीच में एक दिन का समय बच रहा, कल का दिन और परसों वोटिंग होने हैं। अब ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है, 70 में पहुंच चुके हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, 75% हो सकते हैं। महबूब आलम के पीछे की राज हमने जाने की कोशिश की, वहां पे लोगों का कहना है कि वो जन वितरण प्रणाली रहकर लोगों के बीच में सेवाएं दी है और महबूब आलम लगातार लोगों को अपने सेवाओं का निःशुल्क निस्वार्थ होकर लोगों के बीच में काम किया है, इसीलिए उसका मजदूरी उनको दिया जा सकता है। वहां के लोगों का कहना है कि महबूब आलम को मजदूरी मिलेगा और वो यहाँ की अवामों के लिए उन्होंने बेहतर कुछ किया है, इसीलिए वहां से ज्यादा संभावना है कि महबूब आलम साहब को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, सोनथा पंचायत से मैं बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, सोनथा पंचायत में नौशाद आलम अपनी बहुमत बना चुके हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि नौशाद आलम सोनथा पंचायत से वो भी इस बार जीत की परचम बहुमत बनाने जा रही है। हालांकि सोनथा पंचायत में 85% वोट पोल होना है, जिसमें नौशाद आलम को जीतने की ज्यादा आशंकाएं बनी हुई है, और ऐसे में 55 से 60% वोट पे नौशाद आलम काबिज हो रहे हैं। और ये ताल ठोक कर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार नौशाद आलम फिर से सोनथा पंचायत में चेयरमैन पद पर जीतने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, डोहर पंचायत से महबूब आलम, बड़ियान पंचायत से अजमल साहब और कमलपुर से दिलशाद साहब, जो इस बार ये लोग नए, कुछ नए चेहरे और पुराने चेहरे फिर से अपने जो है वो चेयरमैन पद पर बनने जा रहे हैं। बहादुरगंज से, बहादुरगंज के झिलझिली पंचायत से पुराने चेहरे हैं, हालांकि नहीमुद्दीन, उनके बेटा आसिफ इकबाल की पत्नी तरन्नुम बानो, तबस्सुम बानो, वो इस बार अपना कब्जा जमाने जा रही है। तो वहीं डोहार पंचायत से महबूब आलम, और मैं आपको बता दूं प्लासमनी पंचायत से मुसब्बिर आलम, जो फिर से वो अपना कब्जा जमाने जा रहे हैं। और सोनथा पंचायत में पुराने ही रहेंगे, इसलिए मैं आपको सर्वे आग्रह रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां पे नौशाद आलम भी कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अब तक के सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, वहां मैं आपको बता दूं कि कमलपुर पंचायत से दिलशाद हो रहे हैं और बड़ीजान पंचायत से जो है अजमल साहब, हालांकि बड़ीजान पंचायत के प्रेजेंट सीएम से लोग काफी नाराज दिखे, ये अब तक की सर्वे रिपोर्ट है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर।